नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे सेम की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। सेम हरी सब्जी में आती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आइए, मैं यहाँ पे सेम फ्राई बनाना जा रही हूँ। आप अच्छे से इसको कुरकुरी भून करके बनाइए तो आपके बच्चे भी इसे बहुत ही स्वाद से खा लेंगे। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये मैंने आधा किलो सेम ली है। अब मैं इसको छील के काट के तैयार कर लेती हूँ। तो आपको छीलने की इसकी विधि बता देती हूँ। इसे ऐसे तैयार करना है, चाकू से इसको काट लेते हैं, फिर ऐसे छील करके निकालते हैं, नहीं तो ये बाद में रेशे जो मुँह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इसको भी ऐसे छील करके निकाल लेते हैं। फिर हम इसको चाकू की सहायता से या फिर उंगली की सहायता से ऐसे खोल करके मटर की तरह से अंदर देख लेते हैं। इसमें कई बार अंदर कीड़े भी निकलते हैं, तो ये देख लेना ज़रूरी है कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं। चलिए हम सारी सेम ऐसे ही साफ साफ चेक कर लेते हैं। पहले सेम जो है वो अच्छे से छील करके बीच से आधी करके तैयार कर ली है, देख लिया है मैंने अच्छे से। अब मैं यहाँ पे इसको कट करूँगी। उसके लिए ऐसे देखिए बहुत सारी सेम एक साथ पकड़ लीजिए और ऐसे चाकू से एक साथ इसको छोटा छोटा करके ऐसे कट कर लीजिए। देख रहे हैं ऐसे मैं सेम मैंने कट बिनार करके अच्छे से तैयार कर ली है। अब मैं चलिए सब्जी छौंक लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई अच्छे से गर्म करने के लिए रख दी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। जरा सा ऑयल इसमें ज्यादा डाल रही हूँ ताकि सब्जी एकदम कुरकुरी बने और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। जब ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च या फिर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें हमने डाल दिया। अब हम इसमें अपनी सब्जी छौंक लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डाल दी हूँ। करीब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको सिम पे गैस करके धीमी करके इसको ढक करके पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब ये 10 मिनट इस पे ही पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, धीमी आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं। हमारी सेम अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही खुला तेज आंच पे 5 मिनट के लिए लगातार भून लेते हैं। ऐसे ही हम जरा इसे 5 मिनट के लिए चलाते रहेंगे और ऐसे ही फैला फैला करके अच्छे से भूनेंगे। हमारी स्वादिष्ट सेम की सब्जी बन करके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल देते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 किलो सेम में करीब 1/2 नींबू का रस डाला है। इसे आप अच्छे से बनाइए, सर्व कीजिए और तारीफों के मजे लीजिए। धन्यवाद।